नहीं है शायद मुझे ब्लैक बॉक्स थिएटर है मुंबई में, पृथ्वीराज थिएटर है बरेली में है, और एक शायद दिल्ली में है, एक और एक नया खुला है कलकत्ता में जिसका इनॉग्रेशन शायद आज ही है, मतलब चौथा कलकत्ता में खुल रहा है, तीसरा बरेली में, तो ये हेड ऑफ कलकत्ता। सो मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट मैं थैंकफुल हूँ मैम का और डॉक्टर ब्रजेश्वर का। हम सोच की बात करते हैं, अभी हम एक अंदर और बाहर की लड़ाई चल रही थी इससे पहले कि अंदर का इंसान चाहता है करना, बाहर का करने नहीं देता क्योंकि बाहरी चीज़ों में लिप्त हो जाता है, तो वो जो लड़ाई थी वो ऐसे बच्चों को ही डिस्ट्रैक्ट कर देती है। डॉक्टर साहब ने भी अपना करियर जब बनाया, उनका बैकग्राउंड अगर हम पूछें शायद या होते हो मैम ही शायद बता पाएंगी कि उन्होंने कितनी मेहनत करी अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के, ऐसे कितने लोग थे जो रेस में लगे थे लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने आप को एलिवेट किया वहाँ तक। और जब हम बात करते हैं आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटी की, कि एक डॉक्टर का कॉम्बिनेशन थिएटर में बड़ा रेयर मिलता है, मैं बार बार सोचता हूँ इस बात को कि एक डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर और वो भी टॉप सर्जन यहाँ पे बरेली के, और उसके साथ साथ थिएटर में भी वो अपने आप को उस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं शायद सब कुछ भूल जाते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स डॉक्टर गरिमा। मैम मैं चाहता हूँ कि हमको कैसे कैसे करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं शायद यहाँ पे अपने आप को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, टेंथ में हैं, ट्वेल्थ में हैं, बट दे वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर बट दे डोंट अंडरस्टैंड, तो आप कुछ जरूर इस बारे में थोड़ा बता सकते हैं। बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंसेस, और मेरे बड़े बेटे ने भी नीट का एग्जाम दिया था, तो हम लोग के टाइम डिफरेंट था। मैंने जब एग्जाम दिया था तो 89 में दिया था, तो तब चीज़ें डिफरेंट थी, और आज के दौर में 21वीं सदी में चीज़ें कॉम्पिटिशन बहुत डिफरेंस है तब में और अब में। पहले बच्चे कम थे और आज के तारीख में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन जो है बहुत बढ़ गया है। लेकिन नीट का जहाँ तक मैंने देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया कि इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। अगर आपका पहली बात तो बच्चे को श्योर होना है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं, तो इसके लिए मुझे लगता है हर बच्चे को एक बार हॉस्पिटल का, किसी भी हॉस्पिटल का राउंड, आप जैसे इंस्टीट्यूट जो इतना अच्छा बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, आप लोग ग्रुप्स में हॉस्पिटल में जा सकते हैं, तो बच्चा शुड नो कि वेदर ही और शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ डॉक्टर और नॉट। बिकॉज काफ़ी बच्चे जो होते हैं देखते हैं कि भाई उनके फैमिली में कोई डॉक्टर है या उनके पड़ोसी में, पड़ोस में बहुत अच्छा सा नर्सिंग होम है, तो दे गेट फैसिनेटेड बाय दैट, बट देन दे हैव टू सी वेदर दे हैव द इंटरेस्ट और नॉट। और अगर उनका फिक्स्ड है कि ना यस आई एम इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ डॉक्टर, तो फिर आपको तैयारी 10 तक कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट 9-10 से ही बच्चों को तैयारियाँ कराना शुरू करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि बच्चा क्या होता है जो 11-12 में आता है तो सैचुरेट हो चुका होता है। तो आप अपने 11-12 में रेगुलर स्कूल, आई विल से रेगुलर स्कूल, डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट, रेगुलर स्कूल करके अगर आप थोड़ा बहुत अपने मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप पढ़ें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, और किसी भी एक अच्छे ट्यूटर की हेल्प ली भी जा सकती है, तो उससे नीट क्वालिफाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और आई एम श्योर संदीप बत्रा जी जब मुझसे क्लिनिक में मिलने आए थे तो कह रहे थे कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं एंड आई एम लाइक अ सेकंड पेरेंट टू देम, मतलब अपने बच्चों को तो पेरेंटिंग बड़ी मुश्किल होती है लेकिन अगर कोई मेंटोर इन जैसा मिल जाता है तो आप लोग बहुत लकी हैं कि बच्चे सुबह उठते हैं और आपको फ़ोन करते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो ऐसा कोई मार्गदर्शक अगर मिल जाए तो मम्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है। एंड आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने शुरू से ही देखा, तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम।